अगले हफ्ते दुनिया की आबादी 800 करोड़ की संख्या यानी 8 अरब को पार कर जाएगी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या डिवीजन के मुताबिक 15 नवंबर को पृथ्वी पर इंसानों की आबादी 8 अरब हो जाएगी। गौरतलब है 1950 में विश्व की आबादी 2.5 अरब थी, जो पिछले 72 सालों में 3 गुना से अधिक बढ़ चुकी है। यूएन पॉपुलेशन डिवीजन के मुताबिक 2050 तक जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़कर औसतन 77.2 वर्ष हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या डिवीजन के रेचल स्नो ने कहा, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के साथ साथ बच्चे पैदा करने की उम्र में लोगों की संख्या देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने भविष्यवाणी की है कि दुनिया की आबादी 2030 में लगभग 8.5 अरब हो जाएगी। 2050 तक जनसंख्या के 9.7 अरब होने और 2080 के दशक में 10.4 होने की संभावना बढ़ेगी। संयुक्त राष्ट्र की माने तो प्रजनन दर में लगातार गिरावट हो रही है, जिसकी वजह से यह आंकड़ा संभावित रूप से 2050 तक 0.5% तक गिर जाएगी। हालांकि जीवन प्रत्याशा की वजह से आबादी बढ़ेगी। दुनिया की आबादी बढ़ाने में जीवन प्रत्याशा का भी एक अहम रोल है, इसमें लगातार वृद्धि जारी है। 2019 में जीवन प्रत्याशा 72.8 वर्ष थी, जो 1990 की तुलना में 9 वर्ष ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र की भविष्यवाणी है कि 2050 तक जीवन प्रत्याशा 77.2 वर्ष होगी। दुनिया की बढ़ती आबादी के बीच संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि 2023 की शुरुआत में भारत जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर पहुंच जाएगा और चीन दूसरे नंबर पर खिसक जाएगा। मौजूदा समय में चीन की आबादी 1.4 अरब है, जो 2050 तक कम होकर 1.3 अरब रह जाएगी, जबकि 21वीं सदी के अंत तक चीन की आबादी 80 करोड़ पहुंच सकती है, जबकि वर्तमान समय में भारत की आबादी 1.39 अरब से अधिक हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।